murder! के पास लेके जाई और तुम्हारे होश ठिकाने लगाई। हाँ अरे चल चल, वो कौन ठाकुर के पास जाने का है? उसके होश हमने ठिकाने ना लगाई तो हमारा नाम भी गंगा नहीं। हाँ अरे चल, लक्ष्मी चाची का ख्याल ना होता ना तो तुम्हें ठाकुर के पास ही लेके जाता। अरे गंगा बिटिया, तू कब तक बच्ची की बच्ची बनी रहेगी? अरे अपनी नहीं तो कुछ हमारी इज्जत का तो ख्याल किया कर। अरे चाची, तू भी काई मुच्छड़ की बात में आवत रही। अरे ये आम तो हम बच्चन लोगों ने जंगल माँ से इकट्ठा करी है। हाँ चाची, ये आम तो हम जंगल से इकट्ठा किए हैं। हाँ चाची, अरे लो भागो ऐसे, चलो चलो भागो ऐसे। आज तू बच गई, जिस दिन रंगे हाथों पकड़ूंगा ना उस दिन देखूंगा तुझे। अरे जा जा, क्या देख लेगा मुझे? बड़ा देख लेगा मुझे। अरे बिटिया, अब तुम छोटे ना ही रही, तुम्हारी सगाई हो चुकी है। अरे शहर में शंकर को पता चलेगा तो वो क्या सोचेगा? क्या सोचेगा, वो तो खुद ही एक चोर है चाची। अरे अरे अब कहाँ चली? यही तो तुमने बहुत बड़ी गलती की हरिया। अब हमें ये सब बताने से क्या फायदा? सरकार, अगर तुम उस लड़की को सीधा पकड़कर यहाँ लाते तो हम उसे बाकायदा चूस कर ये बताते कि दूसरों के आम कैसे चूसे जाते हैं। राम राम ठाकुर साहब। आओ भाई पूरन, आओ आओ। हरिया तुम जाओ। जी सरकार, पाए लगी। बैठो। क्या कहा मंत्री महोदय ने? हुजूर, वो तो आपके मुरीद निकले। उन्होंने कहा कि ठाकुर साहब से कहो गांव में स्कूल और अस्पताल खोलने का नाटक शुरू करो। स्कूल और अस्पताल? ऐसे अच्छे और नेक कामों से हमारा क्या ताल्लुक है? यूं इससे लाखों रुपया तो लोगों से इकट्ठा कर लेंगे और 1.5-2 करोड़ रुपया सरकार से मंजूर करवा लेंगे। जनता में नाम भी हो जाएगा और 1 करोड़ रुपया अंदर हो जाएगा। ये हुई ना बात। ये पट्टा मंत्री है लेकिन फिर भी काम का आदमी है। वो गाँव तो आएगा ना? बिल्कुल। उन्होंने कहा आप जलसे का आयोजन कीजिए, वो आ जाएंगे। तो फिर कल से ही तैयारी शुरू कर दो। मिनिस्टर साहब ने एक बात और भी कही है, बंबई में अंग्रेजी शराब तो रोज ही पीते हैं। ठाकुर से कहना गांव की कोई अच्छी ताड़ी ताड़ के रखे। उनका मतलब किसी कच्ची कली से था। अरे हम तो गांव की सारी कच्ची कलियां उस देवता के चरणों में डाल देंगे जो हमें 1 करोड़ रुपया दे रहा है। और फिर हमारे गाँव में कच्ची कलियों की कमी थोड़ी है। गाँव में ठाकुर स्कूल और अस्पताल बनवा रहा है। ये तो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं ठाकुर गांव के लिए। क्या खाक अच्छा कर रहा है, बिना मतलब के ठाकुर कोई अच्छा काम नहीं करी। ये लाल साड़ी वाली हसीना कौन है? ये अपनी लक्ष्मी चाची है ना, उसकी भतीजी गंगा है। गंगा? अच्छा अच्छा अच्छा, तो कल हरिया इसी की बात कर रहा था। इससे तो हमें आमों का हिसाब भी करना है। ए लड़की, तेरा ही नाम गंगा है क्या? भैया रे भैया, गांव के ठाकुर अगर इतना भी नहीं जानते, किस बेवकूफ ने तो के ठाकुर बना दिया। ए लड़की, ठाकुर साहब से तमीज से बात करो। जाने दो, पूरन कच्ची उम्र है। खैर, हरिया बता रहा था कि तुम्हें पके हुए आम चूसने का बहुत शौक है। अरे तुहार हरिया के तो सारे जहान के आम तुहरे बाकी दिखाई देते रही, उसमें हम का करी। घबराओ मत, मैं तो उल्टा हरिया से ये कहने वाला हूँ कि वो तुम्हें आम तोड़ने दिया करे।
वो कौन है खुशी माँ? हमारी खुशी में। और फिर पके हुए आमों से हमारा क्या वास्ता? मैं तो कच्चे सख्त गद्दर आमों का बहुत शौकीन हूँ। कच्चे हो या पके, तोहार आम तोहरे पास रख, बड़ा आया आम देने वाला। वाह वाह वाह, पान का ये बीड़ा अगर मंत्री जी के मुंह में डाल दिया जाए तो हमारा काम तो जरूर हो जाएगा। लेकिन ये लड़की बहुत टेढ़ी खीर है। हाँ शंकर इसमें कड़ची घुमा दे तो बात बन सकती है। ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। शंकर को शहर से बुलवा लेते हैं, फिर देखते हैं कहाँ तक भागती है ये छमिया। राम राम ठाकुर साहब। अरे भाई आओ शंकर, आओ आओ बैठो। अच्छा हुआ तुम आ गए। अरे ठाकुर साहब आपका हुक्म और शंकर ना है, ऐसा कभी हुआ है? ठाकुर साहब शायद आपको याद नहीं, आपकी एक ही चिट्ठी से मुझे बॉम्बे में नौकरी मिल गई थी। भाई तुम हो भी इसी काबिल, गांव में एक ही पढ़ा लिखा होनहार लड़का है, अगर हम उसकी भी मदद ना करते तो हमारे ठाकुर होने पर लानत है। ये तो आपकी दरिया दिली है ठाकुर साहब। अच्छा ठाकुर साहब आपने मुझे याद किस लिए किया था? हमेशा मुझे इस बात का अफसोस रहा कि हमारे गांव वालों के पास ना तो स्कूल है और ना ही अस्पताल। हमारे एक मंत्री मित्र हैं, उनसे मैंने इस बारे में चर्चा की जी। वो कल गांव आ रहे हैं। अच्छा, उनके स्वागत में अगर एक रंगारंग कार्यक्रम हो जाए तो बहुत अच्छा हो। अरे ये तो बहुत जरूरी है ठाकुर साहब। भाई इसकी पूरी जिम्मेदारी मैं तुमको देता हूँ। शंकर इस कार्यक्रम में गंगा की मदद भी ले सकता है। पर हम ना कहे ना जी शंकर, तू कम से कम एक बार हमका पूछ तो लिया था, ऐसे ही जाके ठाकुर को हाँ कर दिया। पर ये तो सारे गांव की भलाई और धर्म का काम कर रहा है ना ठाकुर। शंकर जी। हाँ जी। तुम बहुत भोले हो। हा? अरे इमा भी उस ससुरे ठाकुर की कोई ना कोई चाल रही होगी, न जाने इस काम में कितना पैसा तिजोरी के अंदर कर लेगा। चलो ठीक है इसी बहाने सही, लेकिन गाँव वालों को स्कूल और अस्पताल तो मिल जाए ना। अरे पहली बार हमारे गाँव में इतना बड़ा मिनिस्टर आ रहा है, ये सारे गांव की इज्जत का सवाल है, इसलिए तो गांव के सारे लड़के लड़कियां हमारा साथ दे रहे हैं ना। अरे बाकी सबका ठाकुर की आंख में उस सुअर का बाल नहीं दिखाते है जो हम देख सकते है। अब तो हम ठाकुर साहब को जबान दे चुका हूँ, अब तो ये हमारी इज्जत का सवाल है। अरे तुम्हारी इज्जत की खातिर ये गंगा इस गाँव मत का सारे संसार में नाच सकते है। सच? अरे 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 ए पगली, ये मरोने की क्या बात है? हाँ अरे हम गाँव छोड़ के जा रहे हैं, कोई दुनिया छोड़ के थोड़ी जा रहे हैं। अब काम पे तो जाना ही पड़ेगा ना। तो हमरा के भी साथ क्यों नहीं ले जाते है? अरे फिक्र कहे करत है, थोड़ा दिन की बात है, हम बम्बे में कोई छोटी सी अच्छी सी खोली देख ले, फिर तुझे ब्याह कर हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ ले जाएंगे। चल अब हंस दे। अब हम चले। देख संभाल कर रहना। छोरी 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 गांव की छोरी, छोरा 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 शहर का छोरा। अरे ठाकुर उधर किधर डूब रहे हो, मारे गान पर ध्यान दो। क्या बात है देवकी राय जी, लगता है गाना कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया। अरे वो लौंडिया ने तो मारे को बीमार कर रखा है। हाय हाय क्या कली है, एक बार सोने को मिल जाए ना तो मैं अपना स्कूल और अस्पताल का सारा मुनाफा दे दूं। अरे तम कहो तो मैं इसे दे दूं। शंकर अब तो शहर चला ही गया है, अब तो उनका कल्याण कर दो। ठीक है चौधरी साहब, आपके लिए अब उसकी चाची से भी बात करते हैं। का बकत हो तुम, मुझे तो ठाकुर कहते भी शर्म आती है। अरे पैसन की खातिर वो ठाकुर से दलाल बन गवा। बकवास बंद कर बुढ़िया, हमें तो तुम्हारी गरीबी पर तरस आ रहा था, सोचा था मिनिस्टर के पास तुम्हें थोड़ी जमीन दिलवा देंगे, लेकिन तुम लोग तो वो घी निकले जिसे निकालने के लिए उंगलियां टेढ़ी करनी पड़ती हैं। अरे कई उंगली तुड़वाई मत लेना, तू भी चाची किसके मुँह लग रही है? वो हरामजादा ठाकुर न उसकी बेटी रही न बीवी है। अरे उसका बस चलता ना तो अपनी बेटी और बीवी दोनों को मिनिस्टर के साथ लिटवाई देता। अब देखता हूँ हरामजादे तुझे कौन बचाता है। अरे छोड़ूंगा। अरे 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 अगर इसने जरा भी खिटपिट की तो इसकी खूबसूरत खाल खींचकर कुत्तों में डाल दूंगा। मेरी अपलम चपलम मंत्री जी। आजा। अरे लो आम काय किटपिट करी,
अब हमरा के क्या पता कि वो ससुरा तोहरी खातिर हमका या लाई रहा है। और तुम जानती के तुम्हारे खातिर यहाँ लाई जा रही हो तो तुम के करती भाई जी? सर केवल दाढ़ी चली आती भाई जी। तुम तो बहुत बड़े नेता हो ना, इसलिए हर कुंवारी कन्या का ये फर्ज बने हैं कि आप जैसन की बाहों में आके गिरे। हाय 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 हाय, कितने शुद्ध विचार है, कितने शुद्ध विचार है कि बात पर एक जाम हो जाए। आप लो ना सरकार, हम पीते तो नहीं लेकिन क्या है ना, सॉरी बात टाल भी नहीं सकते। एक काम करो, ये हमका दे दो और तुम ये ससुरी बोतल कटक लो सीधा सीधा। यो बात है तो हो जाते कायम, ये लो। ना भाई, मारा तो पहले से बहुत काम बुरा हो रहा है। अरे ये काम जितना बुरा है ना भाई जी, तो ही मजा आवे। तो ला ससुरी। तम तो मने तेड़ 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 दिखाई दे रही हो। तो फिर तेरा गंगा की लहरों में गोते खाने का वक्त आई गवा। तो तरु ये सब हो जाए शुरू। शुरू तो अब हो गया दे। क्या बात है ठाकुर साहब, अंदर बहुत उठा पटक चल रही है। बुढ़ापे और जवानी का मिलन है, थोड़ी बहुत उठा पटक तो होगी। हमारे लिए एक जाम और बनाओ। हम सदे मिनिस्टर के बच्चे, आज हमने तो कहा गंगा जमुना सरस्वती का दर्शन कराई दिया। मार दिया छोरी, ये क्या है इतनी देर? मंत्री जी को इतनी देर तो नहीं लग सकती, जरूर कुछ गड़बड़ है, हम देखते हैं। अरे मार दिया रे। अरे अरे मार दिया रे। ये क्या मंत्री जी, आपकी दुकान का सारा सामान लूट गया? अरे भाई जी, अरे मार दिया रे। पूरन, उस सरामजादी को घसीटते हुए यहाँ ले आओ। वो फिर यहाँ आएंगे गंगा? तोरा तोरा अब इस गांव में रहना ठीक नहीं, तू ऐसा कर, तू बंबई शंकर के पास चली जाओ। हाँ चाची, शायद तू ठीक कह रही है, मैं शंकर के पास चली जाती हूँ। क्या भक्त हो, उस लौंडिया को जमीन खा गई या आसमान निकल गया? हमने तो गांव का कोना कोना छान लिया, गंगा का कहीं पता नहीं चला। तुमने शंकर की माँ का घर देखा है? हाँ ठाकुर, वो वहाँ भी नहीं है। मुझे शक है कि वो शंकर के पास बंबई भाग गई। मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। तो मजा आ गया भाई जी, यह मछली तारे गाँव की नदी से तैरती तैरती मारे शहर के समंदर में आई गई है, तो फिर मारे जाल में फंसेगी फंसेगी। हम उसे कहीं ना कहीं से ढूंढे निकालेंगे। ढूंढने की जरूरत क्या है, वो बंबई जिसके पास पहुंची है ना, वो शंकर चोपड़ा साहब की फैक्ट्री में काम करता है। अरे ये तो और भी अच्छा हो गया। अरे वो समंदर में नहीं, मारे आंगन में उतर गई है और हम बदला लेंगे। पर अकेले नहीं भाई जी, अकेले नहीं, थारे को भी बुलावेंगे बंबई। ओ भैया तनिक हमरा के ये पता बताई तो तोहार बड़ी मेहरबानी हो। अरे इसमें मेहरबानी की क्या बात है, परदेसी लोगों की मदद का तो अपन लोगों का फर्ज बनता है। दिखा तो। अरे ये तो अपन के पोता शंकर है। कितना अच्छा हुआ कि तुम सीधा सीधा शंकर का जानत रही, वरना हम इस शहर में पता नहीं कहाँ कहाँ भटकते फिरते। चलो अब तक तो वो घर पे आ भी गया होगा। चलो चलो चलो, चलो। रख रख। तू घबरा मत, इन लोगों की मदद से तू बिल्कुल ठीक जगह पहुंच गई है। जा उठ, नहा धो के तैयार हो जा, शंकर आने वाला है। जाओ रे तुम लोग, मैं सब संभाल लूंगी। क्या भाई, क्या बे? अक्का तिवारी इधर खड़े लाए और तुम छोकरी को लेकर ऊपर जाता है? तेरे को तो मालूम है अपन पक्का खिलाड़ी है ना?
ठोक बजाकर इसकी कीमत दे देगा। क्या लेके एक रात का? तैयार है दैया, हम समझते थे हमारे गांव का ठाकुर ही हरामी है, पर यहाँ शहर में औरतें भी हराम पत्ती करती है। पर हम भी बता दूं, हमारा नाम भी गंगा है, हमका पकड़ो तो जानू। अरे उसको पकड़ो। एक लाचार और बेबस परदेसी लड़की के साथ ऐसा वर्ताव करते हुए तुम लोगों को शर्म नहीं आती? चल फुटबे लग रहे, क्या तेरी बहन लगती है? अभी तक तो नहीं लगती थी, लेकिन अगर आप लोगों ने ये रिश्ता बना ही लिया है तो अब मैं आपको बताता हूँ कि एक हिंदुस्तानी भाई अपनी बहन से बदतमीजी करने वालों का क्या हश्र करता है। ये कौन है तुम? हम आज ही गांव से शहर में आई हूँ, और हम इलवा का एक पता पूछे तो बोले वो अमर शंकर को जानत रही, और इसी बहाने हम कब बेचे की खातिर ले गई, पर हम जान बचाकर भाग आई। इन्हीं चंद हरामजादों की वजह से हमारे शहर बदनाम है। लाओ पता दो। इलो, ये तो किसी ऑफिस का पता है? हा? और आज संडे ऑफिस तो बंद होंगे, तो हम क्या करें भैया? अगर भाई कहा यह तो तुम्हारे इस भाई के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं, अगर तुम्हें इस भाई पर भरोसा हो तो। अरे आज जैसे लोगों पर कौन भरोसा नहीं करे, चलिए आओ। क्या बात कर रहे हैं चौधरी जी, गांव की एक मामूली सी लड़की ने आपकी धुलाई कर दी? शराबी जो रहे थे एकदम पी के धुत। अरे भाई जी ये मदिरा चीज ऐसी है। ये बात तो आपकी ठीक है, खैर ये बताइए कि हमारे लिए क्या हुक्म है? हुकुम नहीं भाई जी, हम तो यारों से अरज कर रहे हैं। यो बात और रहे कि मारी अरज कोई ससुरा नहीं ठुकरा सके। अब बात यो है चोपड़ा जी कि वो छोरी का होने वाला छोरा थारे दफ्तर में काम कर रहे हैं, उसका नाम शंकर है। चौधरी साहब, यस यस यस, मुझे कुछ याद आ रहा है कि हमारे डिस्पैच सेक्शन में शंकर नाम का कोई लड़का है। अरे डिस्पैच है उसका डिस्पोज, मने के करने सीधी सी बात है तो पूरे पूरे चांस है कि वो छोरी उस पैच या पूछ के पास आएगी, और तुमने कैसे भी वो छोरी को शीशे में उतार के अपने ताबे में लेना है। समझ गया चौधरी जी, क्यों हमारा पर्सनल रिवेंज है। अब आप इत्मीनान से कंबल लोड़कर सो जाइए, बदला जरूर लिया जाएगा। देखो ये है वो ऑफिस जहाँ शंकर काम करता है, आओ मैं तुम्हें अंदर तक छोड़ाऊं। नहीं भैया, अब हम जा सकते हैं, और वैसे भी तुम्हारे सन कम है काम पर। क्या बच्चों की तरह बातें कर रही हो? हाँ जिंदगी में कभी भी मेरे लिए कोई काम होगा ना तो याद रखना कि तुम्हारे इस भाई के घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे। अच्छा अरे कहाँ जा रही हो? अरे ये हमारे शंकर काम कर रहे हैं। अंदर जाने की इजाजत नहीं, जब बाहर आएगा तो मिलना। अरे वाह, हम दो दिन से उसका राह देखत रही और तू उनका मिलने नहीं गई, हम तो मिले। अरे अरे कहाँ जा रही हो? शंकर कोई दोष नहीं, ये किसका दोष है? देखो ना साहब, कौन हो तुम? गंगा जी। गंगे, अरे गंगा जी तो फिर आप धरती पर आइए ना, आसमान पर क्या कर रही हैं? मुझे शंकर से मिलना है और ये लोग मुझे बाहर निकालना चाहते हैं। अच्छा डरो नहीं, कोई तुम्हें बाहर नहीं निकालेगा, तुम नीचे तो उतरो। वादा? अरे पक्का वादा, हम तुम्हें शंकर से भी मिलवा देंगे। बेचारी को कितनी सांस चढ़ी हुई है। एक काम करो, तुम मेरी कैबिन में चलो, पानी वानी पियो, शंकर को मैं बुलवा लेता हूँ। ये लोग तो ऐसे ही बकवास करते हैं, तुम मुझे अच्छे आदमी लगो तो। तुम भी तो कितनी अच्छी हो, है ना? Come on, good girl। काम करो। लगता है चोपड़ा साहब के आंख में चढ़ गई, समझ लो कि लड़की गई काम से। एक बात बताइए,
आपका शंकर के साथ रिश्ता क्या है? जी, वो मेरा मंगेतर है। मैं आई कमिन सर। अरे बैठो, आओ आओ शंकर, देखो कितनी बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रही है। सर, ये गंगा गांव की सीधी सादी लड़की है, इसलिए से पता नहीं कि किसी के ऑफिस में कैसे जाया जाता है। सर सर, इसने जो नुकसान पहुंचाया उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। सर सर, आई एम रियली वेरी सॉरी सर। ओह कम ऑन, फॉरगेट इट। अरे शंकर, तुम्हें मालूम नहीं, शहर में ऐसी भोली भाली लड़की से मिलना उल्टा हमें अच्छा लगता है। तुम बड़े खुश नसीब हो कि तुम्हें गंगा जैसी लड़की मिली है। एनीवे, तुमने जिस अंदाज से इसकी गलती की हमसे माफी मांगी, हम उससे बहुत खुश हुए। थैंक्स। यू आर अ स्मार्ट बॉय शंकर, और तुम्हारे जैसे लड़के को ऐसी जगह काम नहीं करना चाहिए जहां पर तुम कर रहे हो। एनीवे, तुम गंगा जी को लेकर जाओ, कल मुझसे मिलना, मैं देखूंगा मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। थैंक यू सर। अच्छा सर, चलता हूँ। आओ गंगा। अरे शंकर, कैसे हो तुम? जी बहुत अच्छा, आप कैसी हैं? दिख नहीं रहे हो, बिल्कुल फिट हूँ। जी वो तो देख रहा हूँ। अच्छा जी, चलता हूँ। चलो गंगा। हे, शंकर के साथ लड़की कौन थी? ये चौधरी देव की राय की आंख में चढ़ा हुआ ऐसा शिकार है जिसने उसे तो घायल कर दिया है, लेकिन आज हमें भी गरम कर दिया है। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा तो क्या कहेगा? यही कहेगा कि तुम हमारी पीए हो, जिसका मतलब है प्राइवेट औरत। वैसे वो लड़की काफी खूबसूरत लग रही थी। यस डार्लिंग, गांव की कच्ची कली है, शहर में फूल बनने के लिए आई है, और इसके फूल बनने में जितनी हो सकेगी हम इसकी मदद करेंगे। लगता है काफी देर लग गया है इस पर। हाँ मोना, दिल तो मेरा आ ही गया है, इसलिए अब तुम्हें गंगा के बहुत करीब जाना होगा, उसे गांव के रंग से निकालकर शहर के रंग में डालना होगा। शंकर, हमारी सगाई तो हो गई है। हाँ। क्यों ना हम शादी कर ले? शादी? हाँ। लेकिन इसमें थोड़ा वक्त तो लगेगा ना। अब थोड़ा पैसा इकट्ठा कर ले, अपने लिए एक सुंदर सा घर बना ले, और फिर गांव से मां और चाची को भी तो बुलाए के पड़े ना, और फिर जो मजा प्यार में है वो शादी के बाद का। शंकर, ऐसा मत करो शंकर। गंगा, I love you, गंगा। शंकर देखो, बहुत शंकर, शंकर नहीं, गंगा प्लीज, शंकर, शंकर, नहीं, नहीं शंकर, अरे क्या हुआ गंगा? प्यार की भी कोई सीमा होती शंकर, शादी से पहले तो बच्चा रह लगा। शायद तुम ठीक कह रहे हो गंगा, हम ही भावना से ज्यादा वासना में बह गए थे। अच्छा चलो ठीक है, आज हम तोरे से एक वादा करते हैं, आज के बाद ये हरकत हम कभी नहीं करेंगे, ठीक है? शंकर, तुम्हारी बातों से कल मैंने तुम्हारे अंदर एक ऐसा आदमी देखा है जिसे अगर मौका दिया जाए तो वो बहुत बड़ा आदमी बन सकता है, इसलिए मैं सोच रहा हूं कि वो मौका मैं तुम्हें क्यों ना दूं। सर, ये तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। नो 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 नो, लुक हियर, मैं एक बिजनेसमैन हूं, और बिजनेसमैन कभी किसी पर मेहरबानी नहीं करता है, सिर्फ अपनी सोचता है। अब देखो, अगर तुम बड़े आदमी बन जाते हो तो मेरी भी तो दिमागी कसरत कम हो जाती है ना। जी, बशर्ते कि तुम बदल ना जाओ। ऐसा कैसे हो सकता है सर? जो आदमी मुझ जैसे गरीब आदमी को तरक्की देना चाहता हो वो तो मेरे लिए गॉडफादर हुआ ना। अगर तुम ऐसा ही सोचते रहे तो मैं एक साल के अंदर अंदर तुम्हें जमीन से उठाकर आसमान पर बिठा दूंगा। जी देखो, क्योंकि तुम अमीरों के तौर तरीकों से वाकिफ नहीं हो, इसलिए तुम बिल्कुल वैसा ही करोगे जैसा जैसा मैं कहूंगा। यस सर। तब तक तुम अपने दिमाग से नहीं सोचोगे जब तक तुम्हारा सोचने का नजरिया बिल्कुल अमीरों जैसा नहीं हो जाता। ठीक है सर। आज से तुम डिस्पैच में काम नहीं करोगे,
आज से तुम मेरे पर्सनल सेक्रेटरी हो, अंडरस्टैंड जी। और इस काम में मोना तुम्हारी पूरी मदद करेगी, और मैंने आज ही से तुम्हारी तनख्वाह 3,000 रुपए महीना बढ़ा दी। सर, 3,000? शट अप! मैंने कहा ना कि ऐसे सोचने का अंदाज बंद करना पड़ेगा तुम्हें। आई एम सॉरी सर। रईसों की तरह सोचो, रईसों की तरह। राइट सर। गुड। और सुनो, कल मोना एक बिजनेस डील के लिए खंडाला जा रही है, तुम इसके साथ जाओगे और अच्छी तरह से वॉच करोगे कि ये लोगों के साथ कैसे डील करती है। यस सर। इज दैट क्लियर? जी। यू मे गो नाउ, गुड लक। क्यों मोना डार्लिंग? यस डार्लिंग। तोता हरी मिर्च खा गया ना? वो तो मिर्च खा गया, मगर मेरी एक बात समझ में नहीं आई कि मैं कौन सा बिजनेस डील करने जा रही हूँ। तुम हमारे बिजनेस डील करने चली तो हमारा बिजनेस तो हो गया। अरे मोना डार्लिंग, हमने तो तुम्हें मौका दिया है, मौका। कंडाला जाओ, ऐश करो, ऐश। तुम्हारा काम तो यही है ना? इसका मतलब है कि मुझे भी तुम्हारा काम जल्दी करना पड़ेगा। नहीं, तुम उसके फिक्र छोड़ दो। क्या मतलब? वो क्या है कि मैंने उसका बंदोबस्त कर लिया है, मैंने पीटर को कह दिया है, वो गंगा को उठा लाए। यही है वो लड़की, गंगा रानी। अरे तुम हमारा नाम कैसे जाना तो? अरे नाम क्या चीज है, अरे तुझे तो पूरी की पूरी जान जाएंगे मेरी जान। चल हट। बहुत गर्म चीज है। गंगा, कौन थे लो? पता नहीं, हम पानी भरने जा रहे थे और ये सालेम का छेड़ रहे थे, हमने भी घुमाए के दो तीन दिया साले को। बहुत अच्छा किया। What nonsense! मैं तुम्हें दलदल से निकाल कर मखमल पे चलाना चाहता हूँ, तुम्हें अपना पार्टनर बनाना चाहता हूँ, और एक तुम हो कि बस्ती के मवाली गुंडों के साथ मारपीट करते हो। लेकिन सर, पहले शंकर से झगड़े का कारण तो पूछ लीजिए। क्या हुआ था? सर, वो कुछ गुंडे गंगा को मेरी आंखों के सामने उठा कर ले जा रहे थे, अब मैं कैसे ये? आई सी। देखो शंकर, गंगा एक खूबसूरत लड़की है, अगर तुम ऐसी बस्ती में गंगा के साथ वहां पर रहोगे तो हर रोज किसी न किसी के साथ मारपीट करनी पड़ेगी, ये तो ठीक नहीं है ना? इसलिए तुम एक अच्छा सा फ्लैट कोई अच्छी सी कॉलोनी में लेकर वहां शिफ्ट कर जाओ। लेकिन सर, बॉम्बे जैसे शहर में फ्लैट के डिपॉजिट और किराए तो आप जानते ही है ना, मुझे जैसा गरीब आदमी। ओह शट अप! मैंने तुमसे साफ साफ कहा था ना कि जब तक तुम्हारा सोचने का नजरिया रईसों जैसा नहीं हो जाता, तुम कभी कुछ नहीं सोचोगे। ये काम तुम मुझ पर छोड़ दो। मोना जी, अपना बांद्रा वाला फ्लैट है ना, उसकी चाबी इसको दे दो सर। तब तक ये दोनों वहीं रहेंगे जब तक ये कुछ बन नहीं जाता। अरे वाह, कितना सुंदर घर दिया है तुम्हारे सामने तो है, कितना बड़ा। अरे घर ही क्या, उन्होंने तो ऑफिस में भी इतनी बड़ी तरक्की दे दी है कि कुछ ही दिनों में ये लखपति बन जाएंगे। जी हाँ, मैं तो उस इंसान के एहसानों के बोझ तले दबता ही चला जा रहा हूँ, बल्कि वो मेरे लिए इंसान ही नहीं, देवता है। देवता? देवता ना होते तो जो हालत उस दिन गंगा ने ऑफिस की थी, अगर दूसरा कोई होता तो? तो
तो यूं समझो मेरी नौकरी गई थी। अरे डांटना तो दूर की बात, उन्होंने हमका ठंडा पानी भी पिलाया और दिलासा भी दिया। तुमसे एक बात कहनी थी गंगा। का? वो कहते हैं ना कि जैसा देश वैसा भेस, अब इतने बड़े पॉश एरिया में तुम्हारे ये गांव के कपड़े चलने वाले नहीं है। मैं तो इनसे यही कहने वाला था। अरे कहना क्या, मैं तो ये करने वाली हूँ। कल ही मैं गंगा को शॉपिंग के लिए ले जाऊंगी और कल की शॉपिंग गंगा को मेरी तरफ से गिफ्ट। मैंने तुम्हारी तारीफों के इतने पुल बांध दिए हैं कि पूछो मत। सच? बड़ा टाइम लगेगा, लेकिन धीरे धीरे उसके दिल में तुम्हारे लिए ऐसी जगह बन चुकी होगी कि वो खुद ब खुद अपने आप को तुम्हारे हवाले कर देगी। अरे स्वीटहार्ट, दिल की आग को तुम्हारा गोली, लड़की से तो हम जबरदस्ती कर लेंगे, लेकिन वो लड़का साला तब तक हाथ से नहीं निकलना चाहिए। वो तो तुम्हारे हाथ की कठपुतली है। हा? वो तो तुम्हें देवता समझता है, देवता। मजा तो उस दिन आएगा जिस दिन ये देवता उसकी देवी को उड़ालेगा। क्या कर रहे हो, गुदगुदी होती है ना। अच्छा। शंकर, आज मैं तुम्हें अपने खास दोस्तों से मिलवाता हूँ। ये है मिस्टर बनर्जी, हमारे बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर्स, और ये है अशोक गुप्ता, हमारा नॉर्दर्न इंडिया का काम यही संभालते हैं, और ये है दिनेश पटेल, हमारी सूरत की शुगर मिल यही संभालते हैं, और ये है हमारे इस इलाके के इंस्पेक्टर, हमारे खास दोस्त। नाइस टू मीट यू। थैंक्स। और ये है चौधरी देव की राय, इन्हीं की छत्र छाया में हमारे सब धंधे चलते हैं, अगर ये हमारे साथ ना हो तो यूं समझो कि हम कुछ भी नहीं। अरे चोपड़ा साहब, अभी इन ड्रिंक्स पे भी नजर डालो, बड़ी बड़ी ठंडी हो रही है, लो पियो। अरे श्योर श्योर श्योर, कम ऑन। अरे कम ऑन, टेक इट। सर मैं शराब नहीं पीता। अगर आपने इस लड़के को अपना पार्टनर बना ही लिया है तो कम से कम इसे इतना तो समझा दीजिए कि अच्छी सोसाइटी में शराब को शराब नहीं ड्रिंक्स कहा जाता है। बिल्कुल ठीक। अरे तुम इसे शराब कहोगे तो हम सब शराबी हो गए। अरे भाई देखो जी, चोपड़ा साहब जैसा बड़ा आदमी बनना है तो अंगूर की इस बेटी को होटो से लगाना ही पड़े। चौधरी साहब, बच्चा भी नया नया है ना, हमारे और आपकी छत्र छाया के नीचे बहुत जल्दी सीख जाएगा। कम ऑन, टेक इट। कम ऑन, डोंट फील शाय, भिजाओ। चीयर्स, बॉटम्स अप। दैट्स लाइक ए गुड बॉय। कम ऑन, वन मोर। ओ शट अप, कम ऑन, टेक इट। देखो चौधरी साहब ने अभी क्या कहा तुमसे। गुड बॉय, कम ऑन। चीयर्स 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 चीयर्स। एंड हियर कम्स द मॉडर्न गंगा। अरे आओ ना। अरे वाह मोना जी, कमाल है, आपने तो गंगा की काया ही पलट दी। गंगा, ये सब चोपड़ा साहब के दोस्त हैं और ये है चौधरी देवकी राय। चौधरी साहब, ये है मिस गंगा। गंगा जी के दर्शन तो हम कर चुके भाई जी। जी? हरिद्वार में हमने तो स्नान कर लिया है गंगा जी में। भाई मोना जी, आपने तो हमारी गंगा को क्या से क्या बना दिया। ईका शंकर, तुम शराब पी तो। ईका शराब नहीं, ड्रिंक कहते हैं। और फिर बड़ा आदमी बनना हो ना तो ईका पीना बहुत जरूरी होता है, ऐसा चोपड़ा साहब कहते हैं। हाँ, मगर इसे पीना उतना चाहिए जितना हजम हो सके। तुम ठीक कह रहे हो, लगता है शंकर को किक कर गई है,
मोना डार्लिंग, ड्राइवर से कहो कि शंकर और गंगा को घर छोड़ दे। ठीक है, चलो शंकर। अरे कोई बात नहीं, हम रोज के पीने वालों को कभी कभी किक कर जाती है। गुड नाइट। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। दोस्तों, यही है वो मिठाई जिसका सेवन हम बहुत जल्दी करने वाले हैं। मने देख के पहले थिरक गई थी। हाँ। मने लागे शंकर से यो बात केगी केगी। तू समझने की कोशिश काहे नहीं करतो? ये वही मिनिस्टर है जिसने गांव में हमरी इज्जत लूटने की कोशिश की थी। अगर उसने तुम्हारी इज्जत लूट ली होती तो मैं उसे अभी जान से मार देता। गंगा, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? अगर उस पार्टी में मैं मिनिस्टर की बेइज्जती करता तो ये बेइज्जती मिनिस्टर साले की नहीं चोपड़ा साहब की होती, क्योंकि वो तो उनका मेहमान था। और चोपड़ा साहब मेरे गॉडफादर, जो मुझे जमीन से उठाकर आसमान पर बिठाना चाहते हैं, और मैं अपनी जरा सी गलती के कारण अपने ही पांव पर गुलाड़ी मार लेता। गंगा, जरा ठंडे दिमाग से सोचो, हमारा वास्ता मिनिस्टर साले से नहीं है, हमारा वास्ता तो चोपड़ा साहब से है। और अगर तुम चाहती हो मैं चोपड़ा साहब से कोई वास्ता ना रखूं तो बोलो, बोलो, मैं अभी उस मिनिस्टर की जान ले लेता हूं। नहीं शंकर, शायद तुम ठीक कहा तो, और चोपड़ा साहब को कहां पता था कि वो मिनिस्टर ने हमारी इज्जत लूटने की कोशिश की थी? लो, अगर उन्हें पता होता तो वो को हमारे सामने कभी ना लाते। और गंगा, अगर ये मैं जानता कि इन कपड़ों में तुम इतनी खूबसूरत लगोगी तो ये कपड़े तो मैं तुम्हें गाँव में ही पहना देता। तुम भूल रहे हो, शादी से पहले तुमने कुछ ना करने का वादा किया था शंकर। ऐसे खूबसूरत वादे तो तोड़ने के लिए ही किए जाते हैं। क्या हुआ गंगा? नहीं शंकर, शादी से पहले ये सब अच्छा नहीं लगा था। अरे ये साला कुवारा होना भी एक मुसीबत है। ठाकुर साहब, कल ही आपको मंत्री जी ने शहर बुलाया। ये मंत्री जी को अचानक हमसे क्या काम आन पड़ा? कल शंकर और गंगा की शादी है। शंकर और गंगा की शादी? क्या बात है सर, आपने सारा इंतजाम मेरी शादी के लिए किया है, और वो भी अचानक? देखो शंकर, मैं तो ये जानता हूँ कि तुम्हारा और गंगा का प्यार गंगा जल की तरह पवित्र है जी, लेकिन ये बात सब लोग तो नहीं जानते ना। जी हाँ। अब एक जवान लड़का एक जवान लड़की एक ही छत के नीचे रह रहे हैं, वो भी बिना शादी किए हुए। लेकिन सर, गांव में मेरी माँ। अरे माता जी को यहाँ लाने का मैंने सारा इंतजाम कर दिया है, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। चलो पियो। चीयर्स। हाँ। लो, गंगा भी आ गई। वाह, शी इज ब्यूटीफुल। हेलो, ब्यूटीफुल। क्यों शंकर, अच्छी लग रही है ना? है ना जी? माता जी, थैंक यू वेरी मच। हेलो शंकर, बधाई हो। थैंक्स। अरे मोना डार्लिंग, गंगा जी के लिए कोई ड्रिंक लग रहा हो? चाओ? ओह श्योर सर। सर थैंक यू वेरी मच, आपने और मोना जी ने तो कमाल कर दिया। क्यों राव साहब, सब कुछ ठीक चल रहा है ना? सब ठीक चल रहा है। जैसे ही शंकर अपने माँ को लेने जाएगा, ये सब के सब नकली मेहमान यहाँ से निकल जाएंगे। और इन सब नकली मेहमानों में हम भी शामिल है? नहीं। हाँ? सिर्फ आप। मैं तो इस बंगले के बाहर निकल जाऊंगा चौकीदारी करने। शंकर, यू आर लकी। थैंक यू सर। ये लो गंगा, लीजिए। समझ में नहीं आता हम आप लोगों का ही एहसान का बदला कैसे चुकाई। लो, कर लो बात, बड़े मियाँ से बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। आइंदा ऐसी बात की ना तो याद रखना मैं मारा भी करता। सर फोन आया है, शंकर की माता जी आ गई है। लो, तुम जब भी आते हो अच्छी खबर लेकर आते हो। अरे भाई तुम खड़े रहो, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ जल्दी माता जी को लेकर आओ, जल्दी जाओ, गाड़ी लेकर जाओ जल्दी। गंगा, मैं अभी गया और अभी आया। यार मंत्री साहब आ तो गए, पर चोपड़ा ने शंकर को पार्टी से रफू चक्कर किया होगा या नहीं? भाई जी, चोपड़े की प्लानिंग एकदम सेट हुए, शंकर को कब का निकाल दिया होगा। पर उसने शंकर को भेजा कहां होगा? अरे हमने के लेना है उससे,
हमारा मतलब गंगा से, शंकर से नहीं। आप बताते हम बदला कैसे लिया जाता है। बदला कैसे लिया जाता है? उस दिन तो तुम्हारी फट गई थी धोती। मारे जगह तम होते ना तो थारा भी यही हाल होता। चल चल। माँ, माँ, यहाँ माँ वा कोई नहीं है बच्चू, सिर्फ बाप है, वो भी पांच पांच। क्या बकवास कर रहे हो? कौन हो तुम लोग और यहाँ क्या कर रहे हो? हम चोपड़ा साहब के आदमी हैं और यहाँ इसलिए आए हैं ताकि तुम वहां वापस आ जा सको जहां से तुम आए हो। लेकिन लेकिन चोपड़ा साहब ने खुद मुझे यहाँ भेजा है और वो तो मेरी शादी करवा रहे हैं। शादी? हाँ। और तुम्हारी? सुना दोस्तों, इसकी शादी हो रही है। अरे शादी सिर्फ गंगा की हो रही है क्या? और सुहागरात भी हो जाएगी आज, वो भी चार चार लोगों के साथ। राम जादे। हमारा शंकर कहाँ है? इका बत्तमीजी है। बत्तमीजी, मारे को नशे की हालत में मार के भाग गई थी। अब मैं थारे को बताऊंगा कि मारा कैसे जाता है। तू क्या समझ रही थी, गांव से भागकर तू हमसे बच जाएगी? और फिर पति को तरक्की दिलवाने के लिए पत्नी को कुछ ना कुछ कुर्बानी तो देनी ही पड़ती है ना? और वो कुर्बानी है तेरी ये सुहागरात इन चार पतियों के साथ। अरे रानी चाची कहाँ है? छोड़ दो मुझे। अगर तुम ये सोच रही हो कि तुम हमारे चंगुल से भाग जाओगी तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होगी। हम जिस पंछी को एक बार पिंजरे में कैद कर लेते हैं वो फिर नहीं हो पाता। यो ठीक कह रहे हो भाई जी, क्यों लड़के साथ थापड़ा थापड़ी करने लगी है? अरे ना चार बजे कब तक यही साली मानेगी तू? यह मंत्री के कमजोर हाथ नहीं ठाकुर की फौलादी पकड़ है मेरी जान। मारे का थप्पड़ मार गई थी, मारे पे जब की थी, मारे मारी थी रे। अरे अब मारे का रोज चुप के नहीं जा सकता। हेलो हेलो। अरे वो देखो। Ay, voy a llorar.
प्रभु मने के काम करने पड़े चोपड़ा हेयर क्या बक रहे हो क्या हुआ माय गॉड होल्ड ऑन उन्होंने तो शंकर को झांसी मार डाला नहीं खैर तुम फिक्र मत करो पंचनामा तो मुझे को करना है ना ला फोन मुझे दो ओए इंस्पेक्टर साहब से बात करो हाँ कैसे हुआ ये सब हाँ ठीक है तुम लोग रॉड से अपनी उंगलियों के निशान साफ करके ना रॉड को वहीं लग दो राज के पास हाँ और बाकी फ्लैट को ऐसे कर दो जैसे वहां को बात ही नहीं हुई ठीक है चोपड़ा तुम गंगा को उसके फ्लैट पर भेज दो बाकी मैं सब संभाल लूंगा लड़की ने शंकर का खून किया है माय लॉर्ड तमाम गवाहों और हॉस्पिटल की रिपोर्ट के अनुसार ये केस शीशे की तरह साफ है माय लॉर्ड एक आवारा लड़की गांव से भागकर शहर में आई और अपने आशिक के साथ बिना शादी किए रहने लगी कत्ल की रात ये लड़की अपने उसी आशिक के साथ चोपड़ा साहब के जन्मदिन की पार्टी पर गई वहां इसने जमकर शराब पी जो के शंकर को पसंद नहीं आई लिहाजा घर पहुंचने के बाद इन दोनों में जमकर लड़ाई हुई और वो लड़ाई हाथापाई का रूप धारण कर गई और उसी हाथापाई में इस लड़की ने शंकर के सर पर रॉड के साथ इतने वार किए कि शंकर ने वही दम तोड़ दिया ये झूठे जज्जा ये सरासर झूठे हम पे सारे इल्जाम गलत लगाए जज्जा शंकर तो हमरा के प्यार करत रहा फिर हम उसको क्यों मारूंगी बल्कि इन लोगों ने मेरे शंकर को मार डाला और मेरी इज्जत भी लूट ली जज साहब
हॉस्पिटल से आई रिपोर्ट के आगे झूठ बता रही है कि इस लड़के के साथ कोई बलात्कार नहीं हुआ। इंस्पेक्टर, मिनिस्टर चौधरी देव की राय और तमाम गवाहों के बयान क्या सब झूठ है? ये सबूत के लोहे की छड़ पर इसकी उंगलियों के निशान जैसे साफ-साफ कह रहे हैं और चीख चीख कर कह रहे हैं जैसे साफ कि शंकर का खून गंगा ने किया। ये झूठ है, ये सच है जैसे साफ। दैट्स ऑल माय लॉर्ड। तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुजरिमा गंगा ने ही शंकर का खून किया है, लिहाजा ये अदालत मुजरिमा गंगा को जेल दफा 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाती है। जज साहब, जब हमारे साथ ये नाइंसाफी कर ही रहे हो तो हमारे साथ एक इंसाफ कर दो। हमका हमारे शंकर की अस्थियां उठाने का एक हक दे दो, जिसको इन लोगों ने लावल्स की तरह जलाई दिया। जज साहब, जलाई दिया। ठीक है, तुम जैसा चाहो वैसा ही शंकर का संस्कार कर सकती हो। गंगा, वो है तुम्हारे शंकर की राख। रस्म में वफा ऐसे निभाए कोई जुदा करने ना पाए, तुझसे बिछड़ के ना मैं जी पाऊं, मुझसे बिछड़ के ना तू जी पाए। ओ सतिया, ओ सतिया, शंकर, शंकर, गंगा हौसला रखो, जो होना था सो हो चुका। प्लीज गंगा, प्लीज बस कर गंगा, बस। इस गाड़ी के साथ सारी दुनिया के लिए आज गंगा मर चुकी है। टियर्स। चौधरी साहब, हमने तो साली को उम्र कैद दिलाई, लेकिन वो तो साली उम्र पूरी करके चली गई। लिखी थी भाई जी, लिखी थी, और नीड़ी छतरी वाले का लिखा कोई टाल नहीं सकता। जैसे मारी किस्मत भगवान जी ने अपने हाथों से लिखी है, वो भी ठंडे के रोज फुर्सतमा। अरे वो तो ठीक है चौधरी साहब, लेकिन वो गाड़ी वाला कौन था जो उस दिन उसको बचाने के लिए पहुंच गया? ओफो यार, कोई होगा ना साला, तुझे क्या लेने देना।
कोई उसका रिश्तेदार होगा या कोई भाई होगा तो अपना अपना खींच खींच की बचाया मुझे भैया, मुझे मरने क्यों नहीं दिया, मुझे मरने क्यों नहीं दिया? मरना किसी समस्या का समाधान नहीं है गंगा। मत भूलो कि तुम एक औरत हो, औरत जो एक तरफ मां यशोदा की तरह ममता की मूरत होती है और वही औरत दूसरी तरफ चंडी भी है, दुर्गा भी और काली भी। गंगा तुम्हें भी आज से वही बनना पड़ेगा और तब तक जीना पड़ेगा जब तक तुम अपने एक एक जुल्म का बदला नहीं ले लेती। देखो मेरी तरफ, देखो तुम्हें क्या लगता है कि मुझे मुझे एक अपाहिज बनकर जीना अच्छा लगता है? नहीं गंगा, नहीं। अगर मरना ही किसी समस्या का हल है तो मुझे आज से 1.5 साल पहले मर जाना चाहिए था। क्या मतलब भैया? मतलब ये कि मैं भी तुम्हारी तरह इन्हीं सताया हूं। ये तस्वीर देख रही हो, ये तस्वीर है मेरी जाने मन, मेरी मंगेतर जूली की, जिससे मैं बेहद प्यार करता था। जूली एक मॉडल थी गंगा, और जूली को मॉडल मैंने ही बनाया था, क्योंकि जब भी मेरे हाथों में कैमरा आ जाए मेरी उंगलियों में जादू सा आ जाता है। इस मॉडलिंग की दुनिया में ये लॉरेंस कैमरा का बादशाह कहलाता है। एक दिन चोपड़ा ने जूली को बुलाकर अपनी फिल्म में हीरोइन का रोल ऑफर किया। मुझे वो दिन अच्छी तरह याद है जिस दिन मैं उस फिल्म के लिए जूली पर एक गाना पिक्चराइज कर रहा था। ओ जी, चोपड़ा की फिल्म बनेगी ही बनेगी, क्योंकि उसने एक काम बहुत बढ़िया किया है, जो तारे जैसी खूबसूरत लड़की को हीरोइनी का पार्ट दिया है। थैंक यू सर। और एक बात है, उतनी खूबसूरत तुम इवना लग रही हो जितनी खूबसूरत तुम वो गान वाले ड्रेस। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दो कोड़ी के कैमरामैन को जा रही हो, तुम्हारे जगत के बगैर कहीं नहीं जा सकती। इसकी धुलाई कब करवाना चाहते हो तो मेरी बात मान, टिक जा, टिक जा। अरे एक कपड़ा उतारने वास्ते उसने मारे गला पर हाथ डाला है, इसके बदले में हमने सारे कपड़े उतार दिए। तुम इन हरामजादों की बात नहीं मानोगी। रस्सी जल गई लेकिन साले का बल निकला। तेरी तो नहीं, मैं आपके हाथ छोड़ दूँ, हमें छोड़ दीजिए। लेकिन हमें बल निकालना आता बच्चे, भगवान के लिए इन्हें छोड़ दीजिए। हम भगवान के नहीं, मुनेसु साहब के दोस्त हैं। और तुमने सुना नहीं मुनेसु साहब ने क्या बोला? कपड़े उतार दो। तुम क्या समझते तुम कुत्तों की बात मैं मान लूंगी? अरे तुम इस पर जुल्म क्यों कर रहे हो? जुल्म करना है तो उस फोटोग्राफर पर करो। जब तक ये हमारी बात न माने उसे छीलते रहो, छीलते रहो उसे। तुम इन्हें छोड़ दीजिए, प्लीज इन्हें छोड़ दीजिए। और मारो, हाथ जोड़ने की बात नहीं है, अब तो तुमने ये सब उतारने पड़ेंगे। अरे मर जाएगा भाई जी, मर जाएगा। हमारी बात मान, चल तू अपने हाथ से खोल ले, खोल ले अपने हाथ से खोल ले। ठीक है। नहीं सुनी दाम को क्या करूं मैं लॉरेंस, मरने दो तुमको। और मैं कर भी कह सकती हूँ, और मैं कर भी कह सकती हूँ। तुम चुप रहो, तुम समझदार नहीं हो, ये छोई समझदार है, देखो कितनी समझदार है। सुनी तुम ऐसा नहीं करोगी, पूरी खोड़ी होगी। नहीं सुनी खोड़ी होगी, ऐसा नहीं। आइए लाओ हराम सदे, मेरी एक बात मानो,
अब ये भी उतार दे। अब ये भी उतार दो। चुली उतर गई, अब ये भी उतार दो ना भाई जी। शर्म लग रही है तने, शर्म लग रही है तो लाम में। अरे उन्होंने सोचा कि मैं मारा गया, लेकिन पानी का भाव ना जाने मुझे कहां तक खींच कर ले गया। वहां कुछ मच्छरों ने ना सिर्फ मेरी जान बचाई बल्कि मेरा इलाज भी किया। उनकी तमाम कोशिशों के बावजूद मेरी टांगें बेकार हो गईं और मुझे ठीक होकर बॉम्बे लौटने में 1 साल लग गया। बॉम्बे पहुंचकर मैं उन कुत्तों से बदला लेने का सोच ही रहा था कि एक दिन अचानक मैंने अखबार में तुम्हारी खबर पढ़ी। मैंने उसी दिन प्लान बना लिया गंगा कि उन कुत्तों को मौत के मंजिल तक पहुंचाने के लिए दिमाग लॉरेंस का होगा और पैर तुम्हारे होंगे। मगर भैया हम कमजोर औरत कैसे नहीं सब कर। घायल औरत मर्द से ज्यादा ताकतवर और खतरनाक होती है गंगा। गंगा आज से दुनिया के लिए ही नहीं बल्कि तुम्हारे लिए भी मर चुकी है। मेरी उंगलियों का जादू और मेरी मेकअप कला तुम्हें गंगा से मोहिनी बना देगी। गॉड प्रॉमिस गंगा, मैं तुम्हें ऐसा पेश करूंगा कि वो कुत्ते तो क्या भगवान भी नहीं पहचान सकेंगे कि आज की मोहिनी ही कल की गवार गंगा थी। लेकिन उसके लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी होगी गंगा, क्या तुम तैयार हो? करूंगी भैया, जरूर करूंगी। हम जीत तोड़ कर दिन रात एक कर दे भैया, क्योंकि क्योंकि हम कशंकर के कातिलों को चुन चुन के मारे का है भैया, चुन चुन के मारे। शाबाश गंगा, शाबाश। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। कल से तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू होगी और आज के बाद तुम्हारा नाम गंगा नहीं मोहिनी है।
हमारे प्रोडक्ट की मॉडलिंग के लिए कभी तो यहाँ आ जाए तो मेरा काम बन जाए। सर आपने मुझे बुलाया? ओह यस मिस्टर राव, मैंने इस मॉडल के बायोडाटा के बारे में आपसे कहा था, कुछ पता चला? यस सर, इस लड़की का नाम मोहिनी है और ये रहा उनका कार्ड। ओह थैंक यू मिस्टर राव। हाँ जी बोलिए। हेलो, मैं मोनी जी से बात कर सकता हूँ? क्या मैं ये पूछ सकता हूँ कि आप कौन साहब बोल रहे हैं? मैं एके चोपड़ा, चोपड़ा इंडस्ट्रीज का मालिक बोल रहा हूँ। एके चोपड़ा? होल्ड ऑन गंगा, इंतकाम की किताब जो हम लिखने जा रहे हैं, उस किताब के पहले वर्क का मजमून हमारे सामने है। क्या ये वही चोपड़ा है? हाँ गंगा। सुनो गंगा, तुम उससे इतनी मिठास से बात करना कि वो तुम्हारा दीवाना हो जाए। हेलो। हाय। हमारे सितारे इतने बुलंदी पर हो सकते हैं कि आप जैसा बड़ा बिजनेसमैन हमें फोन करे, ये तो हमने कभी ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं सोचा था। आपकी तस्वीरें आपके नाम के साथ पूरा पूरा इंसाफ करती हैं, लेकिन माफ कीजिए, आपकी आवाज भी कुछ कम नहीं। रखने वाले ने बड़ा सोच समझ के आपका नाम रखा है, मोहिनी। अभी तो आपने सिर्फ तस्वीरों और आवाज पर ये कमेंट दी है, लेकिन जिस दिन हम आपके रूबरू होंगे तो हमारा दावा है कि आप हमें मोहिनी नहीं मन मोहिनी पुकारेंगे। मन मोहिनी। मैं उस मुलाकात के लिए बेताब रहूंगा। वैसे भी मोनी जी, मुझे अपने प्रोडक्ट के लिए आप ही से मॉडलिंग करवानी है। आप ही बताइए कि वो हंसी मुलाकात कब हो सकती है? कल। कहाँ? आपके घर, पता हमें मालूम है। 9 o'clock tomorrow. ओके। गंगा, यहाँ जी बैठो। ये बटन खोलो जी। ये बटन खोलो। लेकिन क्यों? जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करो गंगा, बटन खोलो। बटन खोलो। क्या किया आपने भैया? देखो गंगा, जिस कठिन मंजिल की तलाश में हम आए उसमें थोड़ा बहुत दर्द तो सहना ही पड़ेगा। आज रात तुम्हें चोपड़ा से मिलना है और उससे पहले तुम्हें हॉस्पिटल में दाखिल भी करवाना है, और तुम पर किए गए हमले की रिपोर्ट मुझे पुलिस स्टेशन में भी लिखवानी है। कानून की आंखों में धूल झोंकना सिर्फ वो नहीं बल्कि हम भी जानते हैं। अब बोलो। बस अचानक ही एक कार रुकी, एक आदमी ने मुझ पर चाकू से वार कर दिया। चाकू से वार, आगे बोलो क्या हुआ? ये तो शुक्र है कि अचानक वहाँ से पुलिस की गाड़ी गुजर रही थी, इसलिए वो घबरा कर भाग गया। हाँ, बम्बई का गुंडा लोग पुलिस की आवाज से भाग ही जाता है। ये रिपोर्ट हम ऊपर तक पहुँचाएगा। हाँ, डरने का कोई बात नहीं। हाँ चलो अल्लाह। यहाँ तक तो ठीक है भैया, लेकिन इस जख्म का क्या होगा? वाह गंगा वाह, हिंदुस्तान का नंबर वन मॉडल मेकर जो तुम्हारी शक्ल बदल सकता है, वो क्या तुम्हारे जिस्म पर ये दाग नहीं मिटा सकता? आज रात जब तुम चोपड़ा से मिलने जाओगी ना, तो तुम्हारा जिस्म बेदाग होगा। मैं आई कम इन। May I come in?
मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। जानती हैं, हम तो आपके आने के इंतजार में 3-4 विस्की भी टिका चुके हैं। इंतजार का फल ही मीठा होता है मिस्टर चोपड़ा। रियली? चलिए हम भी आपका साथ देंगे, पिलाइएगा ना। श्योर, ये हुई ना कुछ बात। लीजिए। थैंक यू। चीयर्स। दोस्ती में ऐसे नहीं पीते। तो ऐसे। वाह। तुमने तो जाम का नशा ही दुगना कर दिया है जानेमन। अरे वाह, हमने तो आपको सिर्फ उंगली पकड़ी थी, आपने तो पूरा बाजू ही थाम लिया। बड़े चालाक हैं आप। अबे हमारी चालाकियां देखी कहाँ है आपने? देखेंगी तो जलवे आ जाएंगे। अच्छा? हाँ। अगर हमने भी अपने जलवे दिखाना शुरू कर दिया ना तो स्वर्ग धरती पर उतर आएगा। सच? तो फिर जल्दी से स्वर्गवासी बना दो हमें। हम भी तो देखे कि कहाँ जलवे छुपा के रखे हैं तुमने। इतनी जल्दी भी क्या है? अरे जाने मन, तुम्हें नहीं मालूम कि हम कितनी बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आखिर तेरा यार चोपड़ा मारा गया। हाँ, उसकी मौत की खबर एक आंख से पढ़ रहा हूँ, दूसरी आंख से रो रहा हूँ। भाई जी रो मत, खाली अपनी मौत का इंतजार कर। अरे भाई जी, अरे मैं तो एक शरीफ आदमी हूँ, जनता का सेवक हूँ, थारा हमारा काहे का बैर। अरे तुम मारे जान के पीछे क्यों पड़ा है? मैं तेरा ही नहीं, साथ में तेरे दोस्तों का भी दुश्मन हूँ। अपने गुनाह याद कर। अरे तुम कौन कौन भाई जी? कल जब तुम अपना काम कर रही होगी, मैं हांगकांग में रहूंगा और परसों की फ्लाइट से हिंदुस्तान वापस आ जाऊंगा। मगर आप वहां क्या करने जा रहे हैं? दरअसल कानून की निगाह में हांगकांग मैं नहीं बल्कि तुम चाहोगी, बल्कि तुम भी नहीं मोहिनी चाहेगी। वो कैसे? वो ऐसे गंगा कि तुम्हारा मिस मोहिनी वाला पासपोर्ट कल मेरे साथ हांगकांग जाएगा और वहां एयरपोर्ट पर स्टैंप लग जाएगी कि तुम वहां आई हो। परसों जब मैं लौटकर हिंदुस्तान वापस आऊंगा तो यहां के एयरपोर्ट पर स्टैंप लग जाएगा कि तुम वापस आ गई हो। मैंने दोनों एयरपोर्ट्स पर इंतजाम कर लिया है। वाह वाह मिस्टर लॉरेंस वाह, आपका जवाब नहीं। गंगा, कल के लिए जो मैंने तुम्हारे लिए प्लान बनाया है उसका मैंने सारा इंतजाम कर लिया है और तुम्हें भी सब कुछ समझा दिया है। कल तुम्हारा दूसरा शिकार होगा इंस्पेक्टर रावत। हेलो पुलिस स्टेशन, मैं मोहिनी बोल रही हूँ। मोहिनी, इस वक्त मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ, प्लीज आप जल्दी आ जाइए। ओह माय गॉड, लेकिन इस वक्त आप है कहाँ? मैं पनवेल मिल के खंडरों से बोल रही हूँ, प्लीज आप जल्दी आ जाइए। ठीक है, आप वहीं रहिए, मैं अभी पहुंचता हूँ। मोहिनी जी, मोहिनी जी, माय गॉड, मोहिनी, मोहिनी,
मोहिनी। क्यों, कैसी रही? आपने तो मुझे डरा ही दिया था। यही तो अदा है जो आदमी को दीवाना बना देती है। हाँ, आपकी इन अदाओं के तो सब दीवाने हैं, लेकिन ये सब कुछ ऐसी जगह। हमारी हर अदा अटके है, और फिर ये समुद्र किनारा, गार्डन, पहाड़, ये सब रोमांस के लिए बहुत पुरानी जगह हो चुकी है। और जब आज के जमाने में हर चीज एब्स्ट्रैक्ट होती जा रही है, तो फिर क्यों ना हम रोमांस को भी एक एब्स्ट्रैक्ट मोड दे दे। तुम्हारी बात में तो दम है। धीरे धीरे पता चल जाएगा हमारी हर चीज में दम है। धीरे धीरे क्यों, अभी देख लेते हैं। अरे अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? नीचे जमीन है, और फिर एक एक जाम भी तो हो जाए। क्या सब इंतजाम यही कर रखा है? आप देखते तो जाइए हमने आपके लिए क्या क्या इंतजाम कर रखा है। आप यही रुकिए, हम आपके लिए जाम लेकर आते हैं। बोली जी, बोली जी। मोनी जी, मोनी जी। हराम सादे। मोनी जी, मोनी जी, मोनी जी, कहाँ हैं आप? जवाब दीजिए मोनी जी। इंतजाम पसंद आया? तुझे नहीं, तेरे एक एक दोस्त को चुन चुन कर मारेगी, चुन चुन के मारेगी।
भाईजी, मैं भाईजी बोल रहा हूँ। तुमने तो सुना होगा कि तुम्हारा दोस्त इंस्पेक्टर रावत भी मारा गया। हाँ सुना है, सुना है किसी ने तीर चुबो चुबो कर उसको भीषम पितामह की तरह मार दिया है। बचेगा तो तू भी नहीं है? पर तम कोड़ो, देख भाई, यो ससरे ने मारे को भी धमकी दे गया है, चौधरी श्री देव की राय जी को। क्या बात करते हैं चौधरी साहब, ऐसे लुखे और टपोरी लोग तो धमकी देते ही रहते हैं। मैडम ठीक ही कहती है। अरे क्या खाक ठीक कह रही है, अरे ये कोई टपोरेपोरी ना है, ये वही कातल है जिसने उस इंस्पेक्टर का खून किया था, जिसकी जगह पर तुम बैठे हो। और तुमको इस जगह पर बैठना है तो इस धमकी वाले का कुछ करो, नहीं तो फिर देख लेना। अरे मारा नाम चौधरी श्री देव की राय जी है, हम पहले करते हैं फिर कहते हैं। ये देख तारा फोन का डब्बा बजेगा, ये देख बजा, उठाओ। हेलो, हेलो इंस्पेक्टर भागवत, मैं कमिश्नर बोल रहा हूँ। यस सर। देखो तुम्हारे पास चौधरी देव की राय जी बैठे होंगे। हाँ सर बैठे हैं। वो जैसा कहें वैसा ही करना। लेकिन सर मैंने जो कहा है वही कीजिए। लेकिन मेरी अरे बात की बात ही नहीं है, रख दो। अभी आपको चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है, दो चार पुलिस वाले भेज देता हूँ, इत्मीनान से कंबल ओढ़ के सो जाना। तो ये कत्ल भी छप गया? इन दोनों कत्लों ने शहर में हंगामा मचा रखा, इसीलिए बोरीवली से मंत्रालय तक कल एक रैली निकलने वाली। कल सुबह तुम इस रैली को ज्वाइन करोगी, लेकिन सिर्फ थोड़े वक्त के लिए, फिर निकल जाओगी। शाम को जब यह रैली मंत्रालय के पास पहुंचेगी तुम इसे फिर से ज्वाइन करोगी और वहां कमिश्नर के साथ बहस शुरू कर दोगी। ये सब तो ठीक है, लेकिन इसकी वजह क्या है? वजह यह है गंगा कि मुझे बोरीवली एरिया में उस रैली के साथ तुम्हारी चंद तस्वीरें खींचनी है, और जब यह रैली मंत्रालय के पास पहुंचेगी तो वहां भी चंद तस्वीरें खींचनी है। उन तस्वीरों को मैं पेपर में छाप कर यह साबित कर सकूंगा कि कल तुम उस रैली में बिजी थी। लेकिन बीच के 5-6 घंटे मैं क्या करूंगी? तुम्हारे गांव वाले ठाकुर का खून। ठाकुर? क्योंकि कल वो ठाकुर मिनिस्टर देव की राय को मिलने बॉम्बे आ तो रहा है, लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि मिनिस्टर देव की राय उसे टिकने नहीं देगा। मंत्री जी, मंत्री जी। अरे मुर्गे, अरे तम यहाँ बंबई में? अरे वैसे ही हम मौत से जूझ रहे भाई जी, तम भला चंगा गांव में सेफ बैठा था, तम यहाँ काय को आ गया मर्ड वास्ते बंबई में। आप भी कमाल करते हैं, आपने खुद मुझे तार दिया कि फौरन बंबई चले आओ, अब मैं बंबई आ गया तो आप ऐसी बात कर रहे हैं? अरे के मारी मत मारी गई कि मैं तन्ने तार देता। अरे ये फोन का डब्बा मारे घर में भी है, थारे घर में भी है, मने तारी जरूरत होती तो मैं तारे घर का डब्बा ना बजा देता। तो फिर ये तार किसने दिया है? ये तार उसी कातल ने दी होगी, तय भी मारे साथ कुत्ते काम में शामिल है ना। ठीक कहते हो भाई, मुझे भी ऐसे ही लगता है। यो आदमी रात में कत्ल करता है और सबरे फोन में मने धमकी देता है। देख भाई, रात होने से पहले पहले तू यहां से निकल ले, नहीं तो वो ससुरा रात को करेगा थारा खून और सवेरे करेगा मने फोन। ठीक कहते हो, रात होने से पहले पहले मुझे बंबई छोड़कर चला जाना चाहिए। सर, हमारा गाड़ी इधर भी खराब हो गया है और उधर में हमारा शूटिंग चलता है, आप हमको ले देगा तो बहुत अच्छा होगा ना। वो तो ठीक है, लेकिन मैं जरा जल्दी में हूँ। जाने का तो उधर ही है ना, सिर्फ मेन रोड से 1 किलोमीटर अंदर जाना मांगता, और उधर शूटिंग वाला लोग हमारा वेट करता होगा ना, प्लीज। हाँ जल्दी तो है, लेकिन आप जैसी खूबसूरत लड़की को मैं इनकार भी नहीं कर सकता। ओह थैंक यू वेरी मच। माफ कीजिएगा, गाड़ी चलाते वक्त मुझे जरा लेने का शौक है। नेवर माइंड,
क्या शूटिंग करती हैं आप? ओह, आपको मालूम नहीं, मैं इंडिया का बहुत बड़ा मॉडल हूँ। इंग्लिश मैगजीन में कवर पे मेरा फोटो आप देखते नहीं? अरे हमें हिंदी नहीं आती, आप इंग्लिश की बात कर रही हैं। वैसे हमें इंग्लिश मैगजीन का नहीं, इंग्लिश दारू का शौक है। इसका शौक तो हमें भी है, अगर आप बुरा ना माने तो। तब तो सफर का मजा दुगना नहीं चौगना हो जाएगा। लीजिए, ओ माफ कीजिए, माफ कीजिए, माफ कीजिए, माफ कीजिए। नेवर माइंड, सर्व भी तो आप ही कर रहे हैं ना। हम ही ने दर्द दिया है तो हम ही तो दवा देंगे। वेरी नॉटी, प्लीज चले। अच्छा तो हम चलते हैं। ओह माय गॉड, इधर तो नो कैमरा, नो मैन, नो शूटिंग, अब क्या करेगा? अगर तुम्हारे आदमी नहीं आए तो ये आदमी तो है। अगर तुम चाहो तो बगैर कैमरे के शूटिंग कर ले। सही बात है, क्योंकि शूटिंग सिर्फ कैमरे से नहीं, शूटिंग तो इससे भी हो सकती है हरामजादे। ये क्या बदतमीजी? ये बदतमीजी नहीं, तेरी मौत का परवाना है ठाकुर, ठाकुर शमशेर सिंह। ठाकुर शमशेर सिंह, तू मेरा नाम कैसे जानती है? कौन है तू? मैं वही हूँ, तेरे गांव की बेटी गंगा। गंगा? वही जिसे तुमने और तुम्हारे तीन हरामजादे दोस्तों ने मिलकर न सिर्फ तबाह किया था बल्कि हमने शंकर को भी मार डाला। तुमने मुझे गांव की बेटी कभी नहीं समझा ठाकुर, लेकिन मैं तुम्हें आज भी गांव का ठाकुर मानती हूँ, इसलिए एक मौका देती हूँ। हो सकता है मेरा निशाना चुक जाए और तू बच जाए, भाग सकता है तो भाग ठाकुर। बेटी मेरी बात तो सुन। भाग। मेरी बात सुन गंगा। भाग ठाकुर, भाग। भागता हूँ गंगा। गंगा बेटी मेरी बात तो सुन। भाग ठाकुर, भाग। भागता हूँ बेटी, अभी भागता हूँ। प्यारी चीज होती है ना, भागने के काबिल नहीं रहे फिर भी भाग रहे हो कि शायद जिंदगी बच जाए। और मेरे शंकर की जिंदगी बड़ी आसानी से ले ली थी। याद कर अपने कर्मों को ठाकुर, याद कर। मारना है तो एक साथ मार दे, तड़पा तड़पा कर कुत्तों की तरह क्या मार रही है तू? अरे तुझ जैसे इंसान कभी इंसानों की तरह जिए ही नहीं, उन्हें इंसानों की मौत मिलने का कोई हक नहीं। तुझ जैसे लोगों को तो कुत्ते की मौत ही मिलनी चाहिए। नहीं गंगा, भाई जी मैं थारे फोन का इंतजार कर रहा था। भाई जी
मने पता चल गया है कि मेरा तीसरा दोस्त ठाकुर भी मारा गया है भाई जी। तो तुझे पता चल चुका है चौधरी? हाँ भाई जी। तुम तो ठाकुर को गांव भेजने की जल्दी में थे, लेकिन हमें उसे यमलोक भेजने की और ज्यादा जल्दी थी। अब तेरा आखिरी वक्त आ गया है चौधरी। मारा नंबर है भाई जी। ए भाई जी, मत कह किसी को भाई कमीने, तू तो किसी का दुश्मन होने के भी लायक नहीं है। तेरा आखिरी वक्त आ गया है, जितने भगवानों को याद कर सकता है कर ले कुत्ते। यो कमिश्नर साहब, मारे यो बात समझ में नहीं आ रही है कि एक आदमी शहर में फोन पे फोन करके खून पे खून किया जा रहा है और थारी पुलिस डंडा हिलाते बैठी है। ऐसी बात नहीं है चौधरी साहब, पुलिस अपनी तरफ से पूरा जोर लगा रही है। अरे थारा जोर लगाने से पहले कातल मारा जोर निकाल देगा ना। पर हमने तो आपको पुलिस प्रोटेक्शन दे रखी है, भगवान ने चाहा तो कातिल को भी ट्रेस कर ही लेंगे। अरे भगवान के ही भरोसे पे तो बैठे भाई जी, पर हम थारी पुलिस के भरोसे पर नहीं बैठे, जिसकी जंग खाई हुई बंदूक पता नहीं चलती है कि नहीं चलती है। हे भगवान, हे भाई जी, मने बचा लो। आपस रेस भी रेस उदासी जैसी हे भगवान जी, अल्लाह जी, मौला जी, वाहिगुरु जी, मने उस कातिल से बचा लो भाई जी। मैं जानता हूँ कि मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, पर पापों का हरण भी तो आप ही लोग करते हैं भाई जी। चिंता ना करो बच्चा, आपका कष्ट दूर करने के लिए भगवान ने हमें स्वयं भेजा है। थारी को भेजा है? भगवान को की काम नहीं है कि थारी जैसी सुंदर साध्वी को इधर उधर भेज रहा है? हमारे पास होती तो मैं तो कहीं नहीं भेजता। खामोश, मृत्यु संकट के समय ऐसा मजाक ठीक नहीं है, और वो भी उस साध्वी से जो तुम्हें संकट से बचाने आई है। तो बचानो भाई जी। तुम्हारा उतारा करने के लिए हमें एकांत में जाना पड़ेगा। एकांत में जाना पड़ेगा? अरे थन ने तुम्हारे मुंह की बात छीन ली, चलो चलो चल। और तुम्हारे इन धार्मिक अनुष्ठानों का क्या होगा? इन अनुष्ठानों के लिए मैंने धार्मिक लोग बिठा रखे हैं। तुम चलो ना अंदर, तुम सारा काम करो। आओ भाई जी, उतारा थारे को ही करना पड़ेगा कि मारे को भी करना पड़ेगा? उतारा तो सिर्फ मैं ही करूंगी चौधरी। ये क्यों है? मारो तो दम घुट रहा है। तेरा ना ही सिर्फ दम घुटेगा बल्कि तेरा दम निकल भी जाएगा चौधरी, और तू भी वहीं पहुंचेगा जहां तेरे तीनों कुत्ते दोस्त पहुंचे। तुम कौन हो देवी जी? मैं कोई देवी या साध्वी नहीं, मैं मशहूर मॉडल मोहिनी हूँ, बल्कि मेरा नाम मोहिनी भी नहीं, मेरा नाम चौधरी साहब। अरे चौधरी साहब, चौधरी साहब क्या हुआ आपको? अच्छा भाई ये अच्छा हुआ तुम आ गए, नहीं तो हम भी मारे जाते। इसका मतलब कातिल यहाँ भी पहुँचा था? कातल नहीं, कातला बोलो कातला। आखिर वो है कौन? अरे कोई थी मोड़ी मोड़ी। मोहिनी मोहिनी मोहिनी, मिस्टर साहब एक ही नाम बार बार दोहरा कर ये साबित करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं कि मेरी मोक्कल मोहिनी ने इनकी जान लेने की कोशिश की और इनके तीन साथियों को मार डाला। लेकिन अफसोस की बात यह जज साहब कि इनकी इस दलील का इनके पास कोई भी सबूत नहीं है। अजीब बात कर रहे हो तुम भाई जी। अरे यो छोकरी ने मन ने खुद कहा है कि इसी ने उन तीनों का खून किया है। मेरी ये समझ में नहीं आता कि मोहिनी जैसी मशहूर मॉडल तीन तीन आदमियों की जान लेने की कोशिश क्यों करेगी, और आप कोई सबूत नहीं है। कानून और अदालत की नजर में आप एक आम आदमी है। आई ऑब्जेक्ट माई लॉर्ड, चौधरी देव की राय जी कोई आम आदमी नहीं है, वो इस राज्य के बहुत बड़े समाज सेवक ही नहीं बल्कि एक माननीय नेता भी है। आई टू ऑब्जेक्ट माई लॉर्ड, समाज सेवक और नेता भी कानून और अदालत की नजर में एक आम आदमी ही होता है। आम आदमी ही सही,
जबकि एक आम आदमी मिस मोहनी पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रहा है तो इसकी कोई ना कोई वजह तो होगी जज साहब। इसमें कोई शक नहीं कि तीन कत्ल हुए हैं जज साहब, और तीनों मरने वाले मिनिस्टर साहब के बहुत करीबी थे। लेकिन इससे यह कहां साबित होता है कि उन तीनों शख्सों की जान मोहिनी ने ली है? अरे साबित की कर लगी हो भाई जी, अरे मैंने तुमने 10 बार किया है कि इसी ने खुद मैंने बताया है कि उन तीनों का खून इसी ने किया है। ये आप कह रहे हैं, मोहिनी जी नहीं। जज साहब, मोहिनी जी पर लगाए हुए तमाम इल्जाम बेबुनियाद हैं। ये साबित करने के लिए चंद सबूत मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। इजाजत है। थैंक यू मिलॉर्ड। जज साहब, 28 अप्रैल की रात को पनवेल मिल में इंस्पेक्टर रावत का खून हुआ, जिसका इल्जाम मिस मोहिनी पर लगाया जा रहा है, जबकि उस वक्त मिस मोहिनी मॉडलिंग के सिलसिले में हांगकांग में थी, जिसकी तस्दीक यह पासपोर्ट करता है जिस पर बॉम्बे और हांगकांग एयरपोर्ट के स्टैंप्स मौजूद हैं। ये पासपोर्ट साबित करता है कि मिस मोहिनी 28 अप्रैल को हांगकांग में थी। अरे यो छोकरी हांगकांग में थी तो भारतवर्ष में इंस्पेक्टर का खून कैसे किया? यही तो आप साबित नहीं कर पा रहे हैं चौधरी देवकी राय जी। जैसा मिस मोहिनी पर दूसरा इल्जाम यह है कि इन्होंने इंडस्ट्रियलिस्ट ए.के. चोपड़ा का खून किया, जो कि 8 मार्च की रात 12 बजे हुआ, जबकि उसी रात मिस मोहिनी अस्पताल में दाखिल थी क्योंकि कुछ गुंडों ने इन पर हमला किया था, जिसका सबूत अस्पताल का वो रजिस्टर है जो अदालत के पास मौजूद है, और दूसरा सबूत है पुलिस डिपार्टमेंट में दर्ज वो FIR जो इंस्पेक्टर भागवत ने अस्पताल में जाकर खुद दर्ज किया है। मैं अदालत से इंस्पेक्टर भागवत को कटहरे में पेश करने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। सच, एकदम सच। 8 मार्च को हवलदार मोरे को लेके मैं हॉस्पिटल गया था, जहां मोहिनी लेटी थी, और मैंने उसका स्टेटमेंट लिया था। हाँ, थैंक यू, यू मे गो इंस्पेक्टर। अरे अरे, तुम लोग मारी बात क्यों नहीं समझ रहे हो? अरे तुम मारे वकील हो, तुम तो कुछ बोलो। तुमने पैसा दिया है मैंने। अरे बोलने के लिए कुछ हो तो ना, उनके पास ठोस सबूत है। ठोस सबूत है? तुम पहले मैंने ये बताओ, तुम वकील हो क्या? अरे ऐसे सबूत तो रोज बिगाड़े भी जा सकते हैं, बनाए भी जा सकते हैं। चौधरी देवकी राय जी, आप अदालत की नहीं कानून की भी तोहिन कर रहे हैं। लेकिन जज जी, भाई जी, आप चुपचाप अपनी जगह पे बैठ जाइए। ठीक है, मैं बैठ जाता हूं। यू कैन प्रोसीड। ठाकुर शमशेर सिंह का कत्ल 28 मई की दोपहर करीब 12:30 बजे थाना हाईवे से करीब 1 किलोमीटर दूर अंदर जाकर कहीं हुआ, जिसका इल्जाम मेरी मोक्किल मोहिनी जी पर लगाया जा रहा है, जबकि 28 मई को सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5:30 बजे तक मोहिनी जी उस रैली में शामिल थी जो बोरीवली से चल के चर्च गेट तक गई, जिसका सबूत वो सारी अखबारें हैं जो अदालत के सामने पेश की जा चुकी हैं। जैसा मैं पूछता हूं, अगर मोहिनी जी उस रैली में शामिल थी तो फिर ठाकुर शमशेर सिंह के कत्ल करने का इल्जाम इन पर कैसे लगाया जा रहा है? अरे रैली न मारो गोली, यो लड़की कातिल है, तुम समझते क्यों नहीं? ऑर्डर। अदालत आपको आखिरी बार चेतावनी देती है मिस्टर देवकी राय जी, आप बैठ जाइए। चाहता हूं तुम मरवा दिए ना। तमाम सरकारी और गैर सरकारी सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मॉडल मिस मोहिनी पर लगाए गए इल्जाम एकदम झूठे और बेबुनियाद हैं, लिहाजा अदालत मिस मोहिनी को बाइज्जत बरी करती है। ऑर्डर। मिस मोहिनी, क्या अदालत आपकी इस बेवजह हंसी का मतलब जान सकती है? हंसू नहीं तो और क्या करूं जज साहब, ये बाइज्जत लफ्ज इस्तेमाल करने का इस अदालत को कोई हक नहीं है, क्योंकि इज्जत क्या होती है ये अंधी गूंगी और बहरी अदालत नहीं जानती। तुमने मुझे बाइज्जत बरी कर दिया, ये जानकर मुझे कोई खुशी नहीं हुई जज साहब, बल्कि आपकी अदालत
और आपकी अदालत में चलने वाले कानून पे मुझे शर्म आ रही है जज साहब, मुझे शर्म आ रही है। आप कहना क्या चाहती हैं? यही जज साहब कि आप लोगों ने जो ये कानून की आंखों पर काली पट्टी बांध रखी है ना, उसे कभी खोलना मत, मत खोलना उसे, क्योंकि जिस दिन ये पट्टी खुल गई ना, उस दिन उसकी आंखों से इतने लहू के आंसू बहेंगे, इतने लहू के आंसू बहेंगे कि इस देश का सारा कानून, सारा संविधान लाल हो जाएगा जज साहब, लाल हो जाएगा। आप जो भी कहना चाहती हैं खुल के कहिए। आप शर्मिंदा ही होना चाहते हैं तो सुनिए, एक दिन आप ही की यही अदालत थी, आप ही जज थे और यही थे वकील। उस दिन मैं चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर अपनी दुआएं सुना रही थी कि मैं बेगुनाह हूँ जज साहब, मैं बेगुनाह हूँ, क्योंकि उस दिन मैं बेगुनाह थी जज साहब, मैं बेगुनाह थी। मगर आपके कानून ने और उसके मनगढ़ंत खरीदे हुए सबूतों ने मुझे गुनहगार करार कर दिया जज साहब, और आपने आपने मुझे उम्र कैद की सजा सुनाई थी, उम्र कैद की। ये आप किस केस की बात कर रही हैं मिस मोहिनी? मैं मोहिनी नहीं हूं जज साहब। अगर आपकी याददाश्त अच्छी है तो मुझे गौर से देखिए, मैं गंगा हूं जज साहब, मैं गंगा हूं, गंगा हूं मैं, गंगा, वही गंगा जिसकी इज्जत ये मिनिस्टर और उसके तीन कुत्तों ने लूट ली, जिनका कत्ल हुआ। उन कुत्तों ने मेरी मांग में सिंदूर भरने का नाटक रचाकर मेरा सुहाग उजाड़ दिया, और मेरे शंकर के खून से मेरी मांग भर दी जज साहब, मेरी मांग भर दी। ई बोलो ईप, ई पता चला कि ये छोकरी कत्ल क्यों कर रही थी, ईप तम लिखो, थारा के फैसला है। आप बैठ जाइए चौधरी साहब। हाँ तम बोलो तो बैठ जाते। यू कैरी ऑन प्लीज। नहीं जज साहब, ये ठीक कह रहा था, सबूत तो कभी भी बनाए जा सकते हैं और कभी भी तोड़े जा सकते हैं, यही तो इंसाफ होता है ना हमारी अदालतों में, है ना? और आज आपने मुझे बाइज्जत परी कर दिया, सिर्फ इसलिए ना क्योंकि मेरे पास ठोस सबूत है, पर जिन कत्लों के लिए आपने मुझे इन सबूतों की बिना पर बाइज्जत बरी कर दिया है, आपकी गर्दन ये सुनकर शर्म से झुक जाएगी जज साहब कि वो तीनों के तीनों कत्ल मैंने किए हैं, मैंने किए हैं, मैंने किए हैं, मैंने ही इंस्पेक्टर का खून किया है, मैंने ही चोपड़ा को मौत के घाट उतारा है, और ठाकुर का कत्ल भी मैंने किया है, क्योंकि वो तीनों कुत्ते इस सजा के हकदार थे, और इस सजा का हकदार ये कुत्ता मिनिस्टर।
किए गए सिर्फ 3 कत्ल ही स्वीकार नहीं किए बल्कि भरी अदालत में चौधरी देव की राय का कत्ल करके कानून का मजाक भी उड़ाया है। लिहाजा यह अदालत मुजरिम गंगा उर्फ मोहिनी को जेरे दफा 302 के तहत सजाए मौत का हुक्म देती है। टू बी हैंग्ड अंटिल डेथ। ये तुमने क्या किया गंगा? अदालत ने तो तुम्हें बरी कर दिया था, रह गया था सिर्फ वो मिनिस्टर जिससे हम कभी भी निपट सकते थे। मेरी तो समझ में नहीं आता ये तुमने सब क्या किया, क्यों? मेरा मकसद तो पूरा हो गया ना भैया, और शंकर मेरा कब तक इंतजार करेगा? मैंने उसे बहुत इंतजार कराया भैया, बहुत इंतजार कराया। अब तो मुझे जाने दो, अपना ख्याल रखना भैया।